पीएम किसान योजना की सातवीं किश्त 10 दिसंबर से मिलेगी, ऐसे यहां देखें लिस्ट। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के 9.85 करोड़ फार्मर्स को सालाना 6000 रुपए 2-2000 रुपए की किश्त में मदद करती है। 10 दिसंबर से एक बार फिर इन किसानों को नई किश्त यानी कि सातवीं किश्त भेजने की तैयारी में है भारत सरकार। ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान आंदोलन के बीच 10 दिसंबर से पैसे भेजने की शुरुआत होने की संभावना है। यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो कहां कैसे संपर्क करें? अगर आपको अब तक इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप सबसे पहले अपने लेखपाल कानून को और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। अगर वहां भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-55-261 या 1-800-11-55-26 पर संपर्क करें। यदि आपकी यहां भी बात नहीं बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर 011-233-810-92 पर संपर्क करें। पीएम किसान योजना के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स। पीएम किसान योजना का लाभ होने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है जिससे आप आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकें। आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि होल्डिंग दस्तावेज, नागरिकता प्रमाण पत्र। पंजीकरण करने के बाद किसानों को www.pmkisan.gov.in पर आवेदन, भुगतान और अन्य विवरणों की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए जिससे इसके बारे में आप अपडेट रहें। पीएम किसान योजना की स्थिति और लाभार्थियों की सूची की जाँच कैसे करें? पीएम किसान की स्थिति या पीएम किसान लाभार्थियों की सूची की जांच इस तरह से करें। चरण एक, पीएम किसान आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं। चरण दो, मेन्यू बार पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें। चरण तीन, अब उस लिंक पर क्लिक करें जिसमें लाभार्थी की स्थिति और लाभार्थी सूची लिखी गई हो। जिस राज्य का आप चेक करना चाहते हैं उस राज्य को सिलेक्ट करें। चरण चार, यदि आप लाभार्थी सूची की जाँच करना चाहते हैं तो अपना राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गाँव दर्ज करें। चरण पांच, फिर रिपोर्ट प्राप्त करें पर टैप करें। पीएम किसान योजना के लाभार्थी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें। स्वयं पंजीकृत सीएससी किसान की स्थिति की जांच यहां करें। ओके, क्रेडिट आपके बिजनेस का सच्चा साथी।